आजकल सभी कंपनियां अधिकतर ऑनलाइन ही काम करते हैं। सभी कंपनियां अपना प्रोडक्ट ज्यादातर ऑनलाइन ही बेचते हैं। जो कंपनियां मिनी राइस मिल मशीन बेचते हैं, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि गांव देहात के ज्यादातर लोग ऑनलाइन मिनी राइस मिल मशीन खरीदना नहीं चाहते हैं। कारण यह है कि उन्हें ऑनलाइन कारोबार करने की उतना जानकारी नहीं होती। बहुत बार देखने सुनने को मिलता है कि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होता है। इस वजह से गांव देहात के लोग ज़्यादातर ये जो ऑनलाइन कारोबार जल्दी करना नहीं चाहते। गांव देहात के लोग ज़्यादातर छोटा अमाउंट वाला शॉपिंग ही करते हैं ऑनलाइन। ये जो राइस मिल होते हैं वो करीब 20,000 से ऊपर ही होते हैं ज़्यादातर राइस मिल के प्राइस, और उन्हें 30-40 हज़ार रुपये काफ़ी बड़ा अमाउंट लगता है। ज़्यादातर गांव देहात के लोग डरते हैं ज़्यादा अमाउंट का ऑनलाइन कारोबार करने से। गांव देहात में ही ऐसे मिनी राइस मिल मशीन अधिकतर सेल होता है। गांव के लोग ऐसे मिनी राइस मिल मशीन खरीदना चाहते हैं, लेकिन खरीदने के लिए आसान तरीका उन लोगों को कोई दिखता नहीं है। आजकल तो लगभग सभी लोगों के पास स्मार्टफोन होते ही हैं। बहुत से राइस मिल मशीन वाले कंपनियों को किसी तरह गांव देहात के लोगों द्वारा कॉन्टेक्ट हो जाते हैं। कंपनी वालों का यह बात होता है, जैसे कोई कंपनी से कोई लोग गांव देहात से कॉन्टेक्ट किया तो बोलते हैं कंपनी वाले, सर दिल्ली से राइस मिल मशीन झारखंड पहुंच जाएगा, आपको बस 35,000 रुपये इस नंबर पर पे करना होगा, फिर आपका मशीन आपका घर पहुंच जाएगा। बस यही बात होता है कंपनी द्वारा। कंपनी वालों ऐसा कोई भी मशीन बिक्री होने वाला नहीं है, क्योंकि गांव देहात के लोग ऐसा डील करना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, डीलरों के द्वारा किसी तरह गांव के लोगों को मिल ही जाता है राइस मिल मशीन, लेकिन डीलर ज़्यादा पैसों में मशीन बेचते हैं। बहुत से ऐसे डीलर होते हैं जो मशीनों का जो पार्ट होता है उसको फेर बदल करके मशीन बेच देते हैं। जिस कंपनी के मशीन में फेर बदल करेंगे उस कंपनी में दाग तो लग ही जाएगा। कंपनी वालों, अगर आपको गांव देहात में राइस मिल मशीन बेचना हो तो खुद का डीलर बनाना होगा। अधिकतर गांव के लोग हाथों हाथ कारोबार करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे किसी भी कंपनी को अगर झारखंड में राइस मिल मशीन बेचना हो तो प्रखंड लेवल में डिस्ट्रीब्यूटर बनाना होगा। आप लोगों को बड़े कारोबारियों को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाना होगा। बड़े कारोबारियों को अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनाओगे तो ज़्यादा पैसे का चार्ज करेगा। वैसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना होगा, जैसे सैलून जो बाल काटने वाला होता है वो उसको बना सकते हो, चाय दुकान वालों को बना सकते हो, कपड़े दुकान वालों को बना सकते हो, इस तरह छोटे छोटे दुकानदार वालों को आप डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो। जैसे कोई मशीन के लिए कॉन्टेक्ट किए कंपनी से, तो कंपनी वाले फेस टू फेस डील के लिए प्रखंड लेवल में बातचीत के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी जिस क्षेत्र के मशीन खरीदने वाले ग्राहक होंगे उसी क्षेत्र में उसी क्षेत्र का डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट करवा देना है। यह लोगों का काम बस फेस टू फेस मशीन का डील करना होगा ग्राहक से। जितने मशीन बिक्री होगा इनके द्वारा उतने मशीन का कुछ कमीशन इनको दे देना है। अधिकतर गांव देहात के लोग फेस टू फेस कारोबार करना ही ज़्यादातर पसंद करते। जैसे झारखंड में अगर कोई मशीन डिलीवर करना हो तो अगर आपका मशीन रांची में है तो रांची से झारखंड के किसी भी क्षेत्र सुबह से शाम तक में डिलीवर आसानी से हो जाएगा।